नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन व कुंभ राशि के लिए वक्री गुरु का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होने जा रहे हैं और वे 31 दिसंबर 2023 तक वक्री ही रहेंगे। गुरु के वक्री रहने का प्रभाव धनु लगन व कुंभ राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। धनु लगन में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश बनते हैं और वर्तमान में वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी लगन पर, भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर दृष्टि है, यानी धनु लगन से गुरु का गोचर इस समय शुभ है। जैसे ही वो वक्री होंगे वो चौथे भाव की तरफ जाएंगे और उनकी दशम भाव पर दृष्टि होगी। कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में चल रहे हैं, धनेश और लाभेश होकर, और जैसे ही गुरु वक्री होंगे वो धन भाव की तरफ जाएंगे और उनकी दशम भाव पर दृष्टि होगी। यानी कुंभ राशि से गुरु आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, दशम को भी देखेंगे और भाग्य भाव को भी देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि धनु लगन व कुंभ राशि वो कम्बिनेशन है कि जिसमें देव गुरु की शुभता का फल आपको मिल रहा है और गुरु आपके 9, 10, 11 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। नवम, दशम और एकादश, एक भाग्य भाव, एक कर्म भाव और एक धन आने का भाव, इनके भावों को अगर धन के कारक देव गुरु बृहस्पति प्रभावित करते हैं गोचर में, तो मान लीजिए ये एक शुभ संकेत है। तो आप धनु लगन व कुंभ राशि के जातक हैं और कैरियर से जुड़ी कोई भी डिसीजन लेना चाहते थे तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में लीजिए। जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है, वर्तमान जॉब में प्रमोशन हो सकता है और साथ ही साथ ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। कुंभ राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, किसी ना किसी कारणवश आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है और जो लंबे समय से विदेश जाने की सोच रहे थे उनकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। लगन और राशि दोनों से ही देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके लिए धन आने का बहुत शुभ समय है, धन लाभ हो सकता है। और अगर आप लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है और जो दंपति संतान प्लान करना चाहते थे वो संतान प्लान कर सकते हैं। धनु लगन में लग्नेश आपके गुरु हैं और वक्री हुए हैं। लग्नेश के वक्री होने का मतलब है पुरानी बीमारियों का निकल के आना, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और चतुर्थेश वक्री हुआ है इसलिए माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप देखेंगे कि 4 सितंबर 2023 से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे आपकी काम की बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी और आपकी काम की गति बढ़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप धनु लगन व कुंभ राशि के जातक हैं तो वक्री गुरु आपके लिए 68% तक बढ़िया रहने वाले हैं और बाई चांस आपकी कुंडली में दशाएं भी शुभ हुई, जैसे गुरु की, मंगल की या सूर्य की, तो ये 70-72 तक भी जा सकते हैं। यानी आपके लिए बहुत शुभ समय है। आपको कैरियर से जुड़ा अगर वर्ष 2023 में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना था तो उसे 4 सितंबर के बाद लीजिए। कुंभ राशि में इस समय जो शनि की 7.5 चल रही है उसमें देव गुरु का वक्री होना कुंभ राशि के लिए एक राहत का समय है। तो धनु लगन व कुंभ राशि के लिए वक्री गुरु 68% तक बढ़िया रहने वाले हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।